अभी अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ने का कर दिया सबसे तगड़ा ऐलान, सुनकर हिल गई भाजपा सरकार। जी आपको तय चली कि एक तरफ जहां अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है, लेकिन दूसरे तरफ वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी अब अमेठी से भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे। जी आपको तय चली कि राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद से भाजपाइयों समेत स्मृति ईरानी में भयंकर हड़कंप मच गया है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने वाली है, लेकिन आज नामांकन दाखिल करने से पहले ही राहुल गांधी ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि वह आने वाले समय में सोचेंगे कि अमेठी से वह चुनाव लड़ेंगे या फिर वायनाड से ही अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या फिर अमेठी में गांधी परिवार पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसके लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ भारत न्यूज इंडिया पर। न्यूज रूम से हर्षराज की रिपोर्ट। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22-25 लोग